हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्लास सेवेंथ का साइंस है, अध्याय 12 है, अम्ल क्षार और लवण। इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा वह हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए अभ्यास, पहला दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश डैश कर देते हैं, तो इसे होगा, यहाँ पे होगा लाल लाल, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा है अम्ल का स्वाद डैश डैश और क्षार का स्वाद डैश डैश होता है। तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, तीखा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं तीखा। और क्षार का स्वाद जो होता है नमकीन होता है, नमकीन, ठीक है, नमकीन होता है। तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में डैश डैश और डैश डैश बनते हैं, तो इसका होगा यहाँ पे लवण, ठीक है, और यहाँ पे होगा जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। चौथा है हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग डैश डैश हो जाता है, तो इसका होगा लाल लाल, ठीक है। उसके बाद से पांचवें नंबर में है नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, एक डैश डैश है, तो इसका होगा अभिक्रिया कारक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अभिक्रिया कारक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है मिलान कीजिए, मिलान करना है काल्म को काल्म ख, ठीक है। ए नंबर वन है फिनाफथलीन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, पहला का हो जाएगा सी नंबर सूचक, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है अंगूर को हम मिलाएंगे डी, अंगूर जो है क्षार है। तीसरा है कली चूना का हो जाएगा ई नंबर, ठीक है, कली चूना का हो जाएगा ई नंबर। और जो है दूसरा का डी नंबर होगा, ये नहीं होगा, दूसरा का डी नंबर होगा, ठीक है, ये सही होगा। तीसरा का ई होगा, चौथे का जो है ए होगा, ठीक है, लाल चीटी फार्मिकॉम, ठीक है। पांचवें नंबर है वाटर कलर का होगा जो बचा है बी नंबर उदासीन। उसके बाद से अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताएं। अम्ल और क्षारों के बीच अंतर, उत्तर है अम्ल और क्षारों के बीच निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। अम्ल एक साइड हम अम्ल लिखेंगे, दूसरी साइड क्षारक लिखेंगे, ठीक है। पहला है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दूसरा है अम्ल खाने में खट्टा होता है जबकि क्षारक नमकीन और कड़वा लगता है। उसके पास है अम्ल बहुत से पदार्थ को घुला देने की क्षमता रखता है जबकि क्षारक तेल एवं गंध को नहीं घुला सकता है। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर कह रहा है एक
प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार को एक एक लीटर बिलियन घोल बनाकर रखे। अम्ल के बिलियन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का उदासीनीकरण होता था। गलती से दोनों में से एक बिलियन में पानी गिर गया। जब फिर से उदासीनीकरण किया गया तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदें लगी। बताएं कि पानी किस घोल में गिरा था और कितना पानी होगा। इसका उत्तर होगा क्षार के बिलियन में पानी गिरा था। ठीक है, गिरे हुए पानी की मात्रा 50% थी, अर्थात जितना बिलियन था उसके आधा पानी उसमें गिर गया था। ठीक है, अब पांचवें सवाल को देखते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है ऐसा क्यों होता है। पहला है, पांचवा का पहला है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो उसका उत्तर होगा अति अम्ल को दूर करने के लिए प्रति अम्ल की गोली इसलिए ली जाती है क्योंकि इससे अति अम्लता उदासीन हो जाता है और व्यक्ति को आराम पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कर रहे हैं दूसरा, जब चिट्टी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का बिलियन लगाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा जब चिट्टी काटती है तो त्वचा में फार्मिक अम्ल चला जाता है, इससे त्वचा में जलन होती है और व्यक्ति पीड़ा महसूस करता है। उसे आराम पहुंचाने के लिए चिट्टी के काटे स्थान पर कैलेमाइन का बिलियन लगाया जाता है जिससे फार्मिक अम्ल उदासीन हो जाए और व्यक्ति पीड़ा मुक्त हो जाए। तीसरा है, कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उदासीन इसलिए कर दिया जाता है ताकि नदी का जल विषाक्त नहीं होने पाए, जल जीव मरे नहीं और नदी का जल पीने योग्य बन जाए। उसके बाद से आगे देखते हैं, आगे कह रहा है चौथे नंबर कह रहा है ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। उत्तर होगा ताजमहल की सुंदरता इसलिए नष्ट होती जा रही है क्योंकि अम्लीय वर्षा उसे साल दर साल उसके रंग मध्यम करते जा रहा है। पृथ्वी पर कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे जैसे वायुमंडल के माध्यम से वर्षा जल में मिलते जाते हैं वैसे वैसे कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। ऐसी ही अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल की सुंदरता कम होती जा रही है। उसके बाद है उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाएं। ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा के
निर्मुक्त होने के साथ ही लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल प्लस क्षारक एरोमर उष्मा प्लस लवण प्लस जल। उदाहरण है HCl प्लस Na2OH एरोमर NaCl प्लस H2O। सातवां नंबर कह रहा है इसका उत्तर हम बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं सातवां का। जिस बोतल में हल्दी पत्र डालने पर पत्र लाल हो जाए तो समझेंगे कि इस बोतल में क्षार विलयन है। ठीक है, जिस बोतल में हल्दी पत्र का रंग यथावत रहता है तो समझे कि इस बोतल में उदासीन अथवा अम्लीय विलयन है। अब आगे बढ़ते हैं, आठ नंबर देखते हैं। आठ नंबर कह रहे हैं आसुत जल उदासीन होता है। इसकी पुष्टि के लिए इसमें हम दोनों रंग लिटमस पत्र को डालेंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब नौवे नंबर देखते हैं। नीचे लिटमस पत्र को विलयन में डुबोने पर वह अपना रंग नहीं बदलता है अर्थात नीला ही रह जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि दिया विलयन क्षार किए अथवा उदासीन है। तो ये जो चैप्टर था समाप्त हो गया। 12 नंबर जो चैप्टर था अम्ल क्षार और लवण वो समाप्त हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।